बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस ईशा गुप्ता ने कॉम्प्रोमाइज करने से मना कर दिया तो प्रोड्यूसर ने उन्हें चलती हुई फिल्म से निकाल दिया। फिल्म की शूटिंग आधी से ज्यादा पूरी हो चुकी थी लेकिन प्रोड्यूसर इस जिद पर अड़ गया कि या तो कॉम्प्रोमाइज करो या फिल्म से बाहर निकल जाओ। जब ईशा ने ऐसा करने से मना कर दिया तो उन्हें शूटिंग करने से रोक दिया गया। बॉलीवुड की गलियां यूं ही बदनाम नहीं है, आज भी यहां ऐसे कई घिनौने काम होते हैं कि सुनकर शर्म से सिर झुक जाए। बॉलीवुड के काले चिट्ठे समय समय पर सामने आते रहते हैं लेकिन इस बार ईशा गुप्ता जैसी बड़ी एक्ट्रेस ने खुलासा करके सनसनी मचा दी है। ईशा ने बताया है कि उन्हें किस तरह से एक फिल्म मेकर ने इतना मजबूर कर दिया कि उन्हें फिल्म से निकलना पड़ गया। ईशा गुप्ता ने हाल ही में स्पॉट बॉय को दिए इंटरव्यू में कहा, एक फिल्म के को प्रोड्यूसर नाम नहीं लूंगी, उन्होंने मुझसे फेवर मांगा था। उन दिनों उनके साथ में एक फिल्म में काम कर रही थी, उस फिल्म का आधे से ज्यादा काम खत्म हो चुका था। जब मैंने फेवर देने से मना कर दिया तो उस प्रोड्यूसर ने मुझे फिल्म से निकाल दिया। मैंने तो कुछ लोगों को ये कहते हुए भी सुना कि जब मैं उनकी डिमांड्स ही पूरी नहीं कर सकती तो मुझे फिल्म में रहने का कोई हक नहीं है। ईशा ने बताया कि ऐसी घटना उनके साथ पहली बार नहीं हुई बल्कि दो बार फिल्म इंडस्ट्री के अंदर उन्हें ऐसे नीच लोगों का सामना करना पड़ा। दूसरी घटना के बारे में बात करते हुए ईशा ने कहा, मैं एक फिल्म में काम कर रही थी, उस फिल्म का आउटडोर शूट चल रहा था। उस फिल्म से जुड़े दो लोग आउटडोर शूट के बहाने मेरे साथ गलत करने की कोशिश करने वाले थे। दो लोगों ने मिलकर पूरा प्लान बनाया था, मैं शुरुआत में ही उनके इरादे समझ गई थी लेकिन मुझे लगा कि सब ठीक हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन दोनों ने मुझे अपने प्लान में फंसाने की पूरी कोशिश की, वो तो मैंने समय रहते समझदारी दिखाई इसलिए मैं बच गई। मैंने अपनी फीमेल मेकअप आर्टिस्ट को अपने साथ कमरे में सोने के लिए कह दिया था। ईशा बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। उन्होंने जन्नत 2, राज 3, बेबी, कमांडो, बादशाह, टोटल धमाल और हमशक्ल जैसी फिल्मों में काम किया है। ईशा हेरा फेरी 3 में भी नजर आने वाली हैं। जब ईशा के साथ ऐसा हो सकता है तो किसी आम लड़की की क्या बसात है। वेल, आप क्या कहेंगे ईशा के उस खुलासे पर? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पर चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।